नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है समराइज मेरे यूट्यूब चैनल में। इस बार एक लंबे अरसे के बाद वापस आया हूँ, उसके लिए माफ़ी रहेगी, पर कोशिश रहेगी कि अब आगे से हम लगातार ये बातें करते रहें। आज बात करूँगा म्यूकोर माइकोसिस की। कोविड में से भारत की जो बेहद ख़राब स्थिति पहले से हो रही है, उसको और भी दिक्कत तलब बना दिया है इस एक नए फंगल इन्फेक्शन ने, जिसके बहुत सारे मामले मिल रहे हैं। और जैसा कि हम भारत में तमाम बार देखते रहते हैं कि बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, जिनको हर विषय का ज्ञान है, वो कुछ कुछ ज्ञान देते रहते हैं, और ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से हमें बचना चाहिए, हम सबको बचना चाहिए। तो मैं मोटा मोटा आज ये कोशिश करता हूँ कि आपको म्यूकोर माइकोसिस क्या है ये बताऊँ, और उसके खिलाफ जो हमें कदम उठाने चाहिए, जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो क्या हैं, और किस तरह से हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह के पीछे नहीं पड़ना चाहिए वो। तो सबसे पहले बात की, ये एक बहुत रेयर फंगल इन्फेक्शन। आप फंगस जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे होता है, बहुत सारे इन्फेक्शन भी वो कॉज करता है, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है, वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। 10 लाख से ज़्यादा मामलों में किसी एक व्यक्ति को होता है। दुर्भाग्य से भारत में ये लगातार इसके मामले 2019 से ही बढ़ रहे हैं। 2019 में एक मेटा डेटा स्टडी थी, उसमें भी उसके बहुत सारे इंस्टांसेस मिले थे। हमको तभी से सतर्क होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुए। और उसने अभी बाद में जब कोविड आया, तो कोविड की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़े, उसके बाद ये बीमारी फिर बहुत तेजी से बढ़ी है। मार्च में ही इसके बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे थे, लेकिन तब हमारा पूरा, जिसको आज हम सिस्टम कहते हैं, वो चुनाव में व्यस्त था, वो झूठे दावे करने में व्यस्त था कि हमने कोविड को हरा दिया है, हम तो दुनिया भर को वैक्सीन दे रहे हैं, और वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में दावे किए जा रहे थे, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में प्रस्ताव पारित किए जा रहे थे कि किस प्रकार हमने एक बहुत सफल नेतृत्व में हरा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो मार्च में ही भारत के जो ड्रग कंट्रोलर जनरल का ऑफिस है, उसने बहुत सारे म्यूकोरमाइकोसिस के बहुत सारे मामले देख के दो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इसकी दवा बनाने का, केवल एक फंगिसाइडल इंजेक्शन है जो इसका इलाज है, उनको ये आदेश दे दिया था कि वो बनाए। खैर, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत, अगर ये इतना दुर्लभ है, तो इसकी दिक्कत सबसे बड़ी क्या है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस वायरस इज दैट ये दुर्लभ तो है, वन इंस्टांस इन 10 लाख केसेस, इन अ मिलियन केसेस, लेकिन इसकी फैटलिटी रेट जो यूएस वगैरह में भी जो स्टडीज से मिली है, वो 54% है। अगर ये हो गया तो बहुत दिक्कत होती है, और हर दो में से एक व्यक्ति एक्चुअली उससे थोड़ा ज्यादा ही की मृत्यु होती है, ये खतरा है। लेकिन अगर इसका समय से पता चल जाए तो इलाज उतना भी मुश्किल नहीं, इतनी भी दिक्कत नहीं है कि आप इसका कोई इलाज ना कर सकें। मैंने जैसा कि कहा कि इसका इलाज है, एक इंजेक्शन है जो लगातार 8-10 हफ्ते तक लगता रहता है, प्रतिदिन एक, लेकिन अगर वो लगता रहे तो इसका इलाज संभव है। हाँ, दिक्कत तब होती है जब आपको कोमोडिटीज हों, खासतौर पर डायबिटीज है, कैंसर है, इस तरह की अगर कोई दिक्कत है तो। और इस बार भी जो ज़्यादा मामले आ रहे हैं मौत के, या आँख की रोशनी जाने के, आँखों को निकालने की जरूरत पड़ जा रही है बहुत सारे मामलों में, इन दोनों मामलों में सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो डायबिटीज से रिकवर कर रहे लोगों के हैं, वो मधुमेह से, शुगर से रिकवर कर रहे लोगों के हैं। और जिसके पीछे एक बड़ा कारण होता है कि चूँकि स्टेरॉयड का बहुत इस्तेमाल हो रहा है इलाज में, और स्टेरॉयड से शुगर लेवल बहुत अनियंत्रित होती है, और जब हम उसको चेक नहीं करते हैं तब। तो अगर कोई भी आपके आसपास ऐसा कोविड पीड़ित है, या जो कोविड से जीत के वापस लौटा है, तो कृपया उसके शुगर पे, उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल पे बहुत ध्यान दे के रखें, उसके चार्ट्स वगैरह बनाएं, और डॉक्टर को बताते रहें, पैरामेडिकल स्टाफ को बताते रहें। ये संक्रमण होता कैसे? ये संक्रमण म्यूकोर नाम का एक मोल्ड है, एक फंगस आप उसको कह लें, उसके संपर्क में आने से होता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बहुत कम लोगों को होता है, ज़्यादातर लोगों को होता ही नहीं। जबकि ये जो संक्रमण है, ये जो फंगस है, वो आपको बहुत सारी चीज़ों में दिख जाएगा, वो खासतौर पे सड़ रही सब्जियों में, अगर आपके घर में सब्जियां हैं जो बहुत पुरानी हैं, तो उनके ऊपर नज़र रखें और उनको फेंकें। गमलों में भी ये बहुत मिलता है, सॉयल से बहुत मिलता है, और ब्रीद होके, जो हमारे बदन में जो फंगल पोर्स होते हैं, जब आप उनसे ब्रीद इन करते हैं तब ये जाता है। ज़्यादातर लोगों के, बहुत लोगों की जो नाक में म्यूकस होता है, उसमें भी होता है, जो हेल्दी लोग हैं वो आपको वहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग इससे कभी बीमार नहीं पड़ते। हाँ, जो बीमार पड़ गए, और खासतौर पे अगर उनको डायबिटीज या कोई कोमॉर्बिडिटी है,
तो वो बहुत दिक्कत। तो पहला बचाव इससे क्या है? पहला बचाव तो ये है कि सब्जियां और फल, खासतौर पे एक डर्टी डजन, गंदे दर्जन आप उनको कह लें हिंदी में, एक फलों और सब्जियों और खास लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूडेड की एक सूची है, अगर आप उनका जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, पालक है उसमें, स्पिनाच है उसमें, उसमें एप्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको, और फल हैं जिनको हम डर्टी डजन बोलते हैं, तो अगर आप उनका जब भी इस्तेमाल करें तो उनको अगर हो सके तो गर्म पानी में थोड़ा सा नमक या विनेगर डाल के उनको 15 मिनट धुल दें, उससे बहुत सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। गमलों पे ध्यान रखें कि फंगस वगैरह अगर दिख रहा हो तो सतर्क रहें। गमलों का आप अगर जो आपके घरेलू बागवानी है, किचन गार्डन है, आप वो दस्ताने पहन के भी कर सकते हैं, जो रिमूवेबल होते हैं, जो रीयूजेबल होते हैं, अगर आप उससे इस्तेमाल करें और उसके बाद उसको धुल लें तो भी आप सतर्क रहेंगे। इस संक्रमण के सबसे बड़े लक्षण क्या हैं? इस संक्रमण के सबसे बड़े लक्षण है बहती फूली हुई नाक, स्टफ्ड नोज है, बहुत दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द, सूजन, रोशनी कम होना और आखिर में एकदम चला जाना। आंखों की जो रोशनी का जो ब्लर्ड विजन है, जो दृष्टि का धुंधलापन है, वो इसका एक बहुत बड़ा संकेत हो और आपको उससे बहुत सतर्क रहना चाहिए, खासतौर पर अगर कोई कोविड से जीत के लौटा है और रिकवर कर रहा है तो। कुछ लोगों में चीक बोन, जो ये गाल की हड्डी होती है, उसमें भी दर्द होता है, सूजन होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलती है, दर्द होता है। ब्लैक फंगस इसे क्यों कहते हैं? ब्लैक फंगस इसको कहे जाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत बार नाक के आसपास की जो त्वचा है वो काली हो जाती है, इसीलिए इसका जो एक पॉपुलर आप उसको ना कहें, एक कॉमन लैंग्वेज में जो लेमैन नेम है वो ब्लैक फंगस। दिक्कत ये भी है कि हमारे यहाँ तो लगातार जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, फिर से जिनको हम सिस्टम कहते हैं, वो लक्षण बताने की जगह वो तो आयुर्वेद और कुछ कुछ बता रहे हैं आजकल। ऐसे में इस बीमारी का मार्च से ही जितना इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए था, आगाह किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया। ये शर्मनाक है, सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। और नहीं करने की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो मरीज जो स्वस्थ हुए हैं और उनके जो परिजन हैं, उनके जो तीमारदार हैं, उनके जो अटेंडेंट हैं, ये अगर विजन ब्लर हो रही है, दर्द है, तो वो उसको कोविड का आफ्टर इफेक्ट समझ के इग्नोर करते रहे। उनको ये लगा कि अच्छा, कोविड का असर अभी जो बचा खुचा होगा वो जा रहा है, हम ठीक हो रहे हैं, और वो अस्पताल फिर नहीं जाते। दिस इज फैटल, प्लीज डोंट डू दिस एंड डोंट लेट एनी वन डू दिस। ये पूरी तरह से खतरनाक है, ये फैटल है, ये प्राणघातक है। अगर आप जा रहे हैं तुरंत अस्पताल तो ज़्यादातर लोग फिर उनके बचने की संभावना होती है। शुगर चार्ट पे एकदम ध्यान दें। बाकी जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने देश में बीमारी से कोई नहीं मर रहा है, सिस्टम ही मर रहा है। आप देखें कि इस बीमारी की, ब्लैक फंगस के, जो हमारे यहाँ मैंने अभी शुरुआत में बताया कि 2019 से लगातार ये बीमारी बढ़त पे है, दैट इज रियली स्ट्रेंज, क्योंकि ये बीमारी हाइजीन की एक बड़ी दिक्कत की वजह से होती है, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं घर में फलों पे, सब्जियों पे, वातावरण पे। और ये स्मार्ट सिटीज के दौर में इस बीमारी का बढ़ना 2019 तक में एक अध्ययन के मुताबिक ये काफी बड़ी थी, मैंने जैसा आपको बताया। और उस हालत में भी हमारे देश में जो कोविड टास्क फोर्स का मुखिया है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वीके पॉल साहब ने अभी मिड अप्रैल में कहा, जब इतने सारे मामले आ रहे थे, कि माइल्ड संक्रमण हो तो अस्पताल ना जाएं, ये ना करें, आयुर्वेद की जो आयुर्वेदिक दवाएं लें उनके ऊपर आश्रित रहे। ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस जो है, इसका पुराना नाम शायद जाइगोकोसिस था, हाँ जाइगोकोसिस था, नाम बाद में बदला गया है। ये केवल अकेली बीमारी नहीं है जो इस लहर में लोगों को मार रही है, इसके साथ एक हाइपोक्सिया भी है। अभी सबसे ज्यादा जो युवा मर रहे हैं इस दूसरी लहर में, जिनके बारे में आप पढ़ रहे होंगे, आज मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देख रहा था और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि बहुत सारे युवा मर रहे हैं, और वो ऐसे मर रहे हैं कि उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या नहीं होते। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि जब आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल लगातार कम होता जाए, लगातार, लेकिन उसके कोई बाहरी लक्षण ना हो और आप उसकी जांच ना कर रहे, तो बाहर से आप ठीक हैं, आपकी ब्रीदिंग ठीक है, 8-10 दिन आते आते ये लक्षण बहुत गंभीर हो जाते हैं और फिर सडन जो आपको अटैक होता है, फिर आप हॉस्पिटल भागते हैं, फिर आप बेड ढूंढते हैं, बहुत बार बेड नहीं मिल रहा है, बहुत बार, अब तो वो स्थिति थोड़ी सी महानगरों में सुधरी है पर फिर भी अभी इतनी भी ठीक नहीं हुई है।
तो वैसी स्थिति में जब आप 8-10 दिन तक अस्पताल ही नहीं जा रहे हैं और इतनी गंभीर बीमारी ये दो हैं, म्यूकोरमाइकोसिस और हाइपोक्सिया, जिनमें अगर आपको तुरंत इलाज नहीं मिला तो ये बहुत खतरनाक है, तब ये बहुत दिक्कत तलब बीमारी है। और हमारे टास्क फोर्स के मुखिया ये सलाह दे रहे हैं कि आप अस्पताल ना जाएं और टेस्टिंग को और इतनी अगर गैर जरूरी हो तो ना करें। ये दुखद है, ये एक त्रासदी है। ये खैर, अभी तो एक व्हाइट फंगस के भी मामले सामने आने लगे हैं। पटना से आज 4 रिपोर्ट हुई हैं जो कि ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है। और हमारी निपटने की तैयारी क्या है? मार्च से ये बीमारी लगातार बढ़ रही है, कोविड में हवा क्रिएट कर रही है। मैंने बताया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उसी टाइम से बोल रखा है, लेकिन सरकार आज जागी है। आज केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि इस बीमारी को भी नोटिफाई किया जाए एपिडेमिक्स एक्ट के अंतर्गत। आज मार्च, अप्रैल, मई, कम से कम 2 महीने बाद। दरअसल तो अगर मार्च हम पूरा जोड़ लें तो 2.5 भी हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी ये लोग जागेंगे और व्हाइट फंगस पे ऐसा नहीं करेंगे। एक और सलाह मैं देना चाहता हूं कि कृपया ये कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स, ये सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, नाक में तेल डाल लो, कपूर खा लो, ये कर लो, ये सब पोटेंशियली डेंजरस है। कोरोनिल बहुत हुआ, कोरोनिल अब कोई नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि ये कंकॉक्टेशंस हैं। आप उन्हीं चीज़ों पे भरोसा करिए, मैं कहूँगा, जो WHO बता रहे हैं, जो WHO की टास्क फोर्सेस बता रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है। वो कोई नीम हकीम खतरे जान वाली चीज़ें नहीं हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लक्षणों का ध्यान रखें और लगातार सतर्क रहें। कोई भी चीज़ आपको अगर सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं तो इन फॉरवर्ड्स पे यकीन ना करें। देश के लिए तो हैं ही, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके अपनों के लिए भी बहुत खतरनाक है। अगर ऐसे कोई सवाल हो तो उन लोगों से पूछें जो विशेषज्ञ भले ना हों, लेकिन अगर उनसे कोई कुछ सवाल पूछता है तो वो बहुत पढ़ लिख के विशेषज्ञों को पढ़ के राय देते हैं, वो ऐसे ही राय नहीं बना लेते। ऐसे लोगों से बात करें, डॉक्टर से बात करें, किसी भी चीज़ पे भरोसा ना कर लें। आपका स्वास्थ्य आपके लिए, आपके अपनों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अगर ठीक रहा तो सब ठीक है, अगर वो ठीक नहीं है तो बहुत कुछ दिक्कत है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, बदहवास ना हों, पैनिक ना करें। अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा हो और चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें। लोग अब सोच रहा हूँ कि रोज ऐसे मुद्दों पे एक छोटा वीडियो बनाने की उम्मीद और कोशिश रहेगी। अगर आपके अपने कोई सवाल हो तो ज़रूर बढ़ाएं, ज़रूर पूछें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।